चलिए जी, एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है नोएडा शहर की इन सड़कों से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका आज मेरे इस ब्लॉग में। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम खुला तो है लेकिन इतनी धुंध छा रखी की सूर्यदेव का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं लग रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से मेरी जो रिपोर्ट है नेगेटिव आई है, यानी कि ठीक है और हो सकता है आज रात या कल सुबह तक हम यहाँ से गांव के लिए निकल सकते हैं। तो अभी मैं और अखिल भाई जा रहे हैं कैलाश हॉस्पिटल, जहाँ की विनीत भाई की जीजाजी एडमिट हैं। विनीत भाई की जीजाजी की कल सर्जरी होगी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि उनका जो यूरिन है वो पास नहीं हो रहा है, तो फिर एक छेद कर रखे तो वहाँ से नली डाल रखी, तब जाके यूरिन निकाला जा रहा है। बहुत पेनफुल होता है, कल उनकी सर्जरी होगी। तो आप लोग भी प्रार्थना करना कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। बाकी विनीत भाई अभी हमें अपनी कार देंगे, फिर हम निकलेंगे आज सरोजनी नगर, क्योंकि अखिल भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा शॉपिंग करनी है, फिर कल सुबह हमें जाना ही है। तो चलिए थोड़ा अखिल भाई के लिए भी कपड़े ले लेते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट है सड़क पार करना, जिसमें कि मैं निपुण नहीं हूँ, बस भगवान का नाम लेता हूँ, सीधे पार करता हूँ। तो चलिए जी, सड़क पार करने के बाद अब हमें इसी लाइन पे जाना है। लगभग 50 मीटर आगे चलने के बाद कैलाश हॉस्पिटल आएगा। तो जब तक कमरे के अंदर है तब तक तो टाइम का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे बाहर आ रहे तब जाके थोड़ा बहुत पता चल रहा है। तो इस वाले गेट से जाते हैं आई केयर हॉस्पिटल के लिए, जहाँ की मैं पिछली बार गया था, लेकिन हमें अभी सीधे आगे जाना है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं ही बीमार हूँ, लेकिन जब हॉस्पिटल में गया ना, फिर वहाँ इतने सारे मरीज देखे, फिर लगा कि यार मेरी बीमारी कुछ नहीं है। यानी कि दुनिया में हर कोई परेशान इस जमाने बीमारी से, और यहाँ आपको सबसे ज्यादा भीड़ या तो सड़कों में मिलेगी या हॉस्पिटल में मिलेगी। तो पहले मैं सोचता था कि ग्रीन कलर की नंबर प्लेट क्यों है, तो अब मुझे पता चला जो ग्रीन कलर की नंबर प्लेट है वो बैटरी से चलने वाली कार है। तो चलिए जी, फाइनली हम कैलाश हॉस्पिटल के पास पहुँच गए हैं। अब अंदर चलते हैं, थोड़ा जियाजी से मुलाकात करते हैं, फिर विनीत भाई से चाय भी लेते हैं, फिर निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए अखिल भाई के लिए। बिल्कुल परसों से सो नहीं रहा बंदा, बोल रहा कराओ कराओ जल्दी। मैंने कहा है ना, सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सड़क पे होगी या हॉस्पिटल में होगी। नहीं बंडा हूँ, ठीक है स्वास्थ्य पानी। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से। अब जिजाजी लोगों से मुलाकात हो गई है, अब थोड़ा जाते हैं घूमने। तो पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, दिन की 1 बज रही है और हम सरोजनी नगर मार्केट में पहुंच गए हैं। यहाँ से अंदर जाने का एंटर द्वार है और अब जाके आप सबको भीड़ दिखेगी यहाँ। मैं जिंदगी में दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ, इस बार भी बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, हमेशा ही रहती है भीड़। तो हेमंत भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से ले जा रहे हैं। अब अखिल भाई कंफ्यूज हो रहा है, क्या लो है, 50 रुपए से स्टार्ट हो रही चीज है। ये बंदा चाहता है 10 रुपए की चीज मिले इसको, 10 में पैजामा मिले इसको। हाँ, ये सरकारी कर्मचारी के हाल है, 200 का कोट मिल रहा भाई साहब, 10 रुपए ही चीज ढूंढ रहे हैं। तो देखिए जी, ये जितनी भी यहाँ जैकेटें लगा रखी है, तो पहले अखिल भाई ने सोचा ये 50 रुपए के, लेकिन जैसे वो 3 पड़ा, अखिल भाई कैंसिल होगी डिमांड है। तो अखिल भाई को एक जैकेट पसंद आई, इसमें चैन ही नहीं है भाई। अखिल भाई आधा घंटा सारे कपड़े चेक करने के बाद लास्ट में बोल रहा है मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, 50 रुपए की चीज ढूंढ रहे हैं। तो दूसरे वाली शॉप पे चले गए अखिल भाई। तो चलिए जी, वहाँ भी अखिल भाई को पसंद नहीं आया, इस वाली लाइन में घुसना जरा। तो भाई हम तो उत्तरकाशी में माघ मेले का इंतजार करते हैं, जो कि साल में एक बार आता है, लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ 12 महीने भाई मेला चलता रहता है, यानी कि भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। तो भाई सरोजनी नगर का जो मार्केट है काफी फेमस मार्केट है और यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। अरे हीरो लग रहे यार तुम, और तुम लोगे नहीं, तुम 50 रुपए की चीज ढूंढ रहे हो, इतनी महंगी कहाँ लोगे यार तुम, ले लेगा इस बार 3-4 दुकान भटका दे तूने। भाई जी कितने इसका है? 950। तो भाई साहब उस जैकेट का रेट 850 बोल रहे हो, फिर अखिल बोल रहा है कि अभी और भी लेना है। तो अखिल भाई पूरी कोशिश कर रहा है कि थोड़े इनको और नीचे लाए हैं। अब अखिल भाई 850 का लेगा और गांव में बताएगा 3000 का लाए ने। चले जी, अखिल भाई को 850 का सामान पसंद नहीं आया, 50 रुपए की चीज ढूंढने आ रखा है अभी भी अखिल। हम दिल्ली आए हैं, आपको 50 रुपए है, बाकी किराए में चलेगा सारा। अरे वाह, 10 रुपए की चश्मा ढूंढ रहा हूँ, अभी चश्मा अगर 50 का भी होगा तब इसको 30 में लेना चाहेगा। अरे वाह, हीरो लग रहा भाई। तो देखिए जी, यहाँ सेल लग रखी है 50 रुपए, लेकिन ये लेडीज का सामान है। अखिल भाई यही मिल रहा है, पहले 50 का वही मिल रहा हूँ, वो ठीक है पर लेगा नहीं तो उसको भी। चलो भाई, 100 रुपए का चश्मा पसंद आया इसको। अरे भाई लड़की वाली लाइन में मत जा, चल अखिल भाई जेब में कितना पैसा लेके आ रहा है? रुपए नहीं है, 100-200 रुपए खुल लेते हो, 100 का चश्मा 100 रुपए बचे आपने, अब 100 का सामान लेना है यहाँ से, अब ठीक है। तो भाई साहब इतनी भीड़ हो रखी कि ब्लॉग कैसे बनाऊं मैं, ऊपर से कोई हाथ मारेगा ना मोबाइल पे,
फिर तो भाई साहब मैं तो चिल्लाना शुरू कर दूंगा भीड़ में। सस्ते के चक्कर में कहीं मेरे पे महंगी की चपत लग रही। तो चलिए जी, अखिल भाई ने 50-50 रुपए की शॉपिंग कर ली है और बाकी तो मैं आप थोड़ा जैकेट लेने आ रहा हूँ। यहाँ कितने की भाई साहब? 800 रुपए की बोल रहे हैं भाई साहब। बाकी कमेंट करिए कैसे लग रही है भाई, पहली बार कुछ चीज़ पसंद आई मेरे को। तो चलिए जी, फाइनली मेरे को ये जैकेट पसंद आया, तो देखते हैं भाई साहब कितने की लगाते हैं इसको। अब अगर हाथ पाँव में पड़ना पड़ा तो वो भी करेंगे साहब। तो चलिए जी, 800 रुपए में से 8 रुपए भी कम नहीं होंगे भाई साहब, बोल रहे फिक्स प्राइस है। लेकिन पसंद आ गए तो क्या करें, थोड़ा हमें झुकना पड़ेगा। चलिए भाई, फाइनली बाहर आ गए हैं। एक समय था जब भीड़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब भाई बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। पहले हम बहुत जाते थे भीड़ में, मेले में, कहीं भी, लेकिन भाई अब तो ना घुटन फील हो रही है भाई। हर चीज़ का समय होता है भाई। आज मैंने इनको बोला भाई बाहर निकलो यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। बहुत घुटन फील हो रही थी वहाँ, इतनी भीड़ भाई। उत्तरकाशी के 10 मेले में होंगे तभी उतनी भीड़ नहीं उत्तरकाशी में। चलिए जी, समय 6 बज गए और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। तो लगभग पूरा दिन लग गया आज। चलिए जी, फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं भाई। और जैसे ही अंदर पहुंच रहे हैं तो देखिए यहाँ का माहौल, सब लोग रजाई में बैठ रखे हैं और बाकी अपना भांजा यहाँ पे ट्यां ट्यां करने लगे। क्या हो गया, मेरे आधे ही रोने लग गया भाई। एक्चुअली इसकी तबीयत खराब है बलाज। भाभी जी आपकी तबीयत ठीक है? मुँह क्यों फुला रखा आपने? और यहाँ पर ताई जी बैठ रखे, हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, चलो बढ़िया। तो चलिए जी, फाइनली ताई जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। अरे वाह, वैसे चाय पीने के लिए मना कर रखा है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चाय पी रहा हूँ एक दिन में, उसके बाद ज्यादा नहीं पी रहा हूँ मैं। और यहाँ की बात की जाए तो दीदी यहाँ पे लगी है गोभी और आलू को काटने में, क्योंकि रात का खाना बनाया जा रहा है। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो रतुड़ी यहाँ जी है। रतुड़ी जी तो हमारे भांजे की कास्ट है रतुड़ी, तो हम इनको रतुड़ी जी कह के बुलाते हैं। थोड़ा भांजे को बुखार आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सैड हो रखे हैं, लेकिन हमें पता है थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे ने। तो चलिए जी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी, रात की 8 बज रही है और अभी एक सीन हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि भाभी जी बाहर फोन पे बात कर रहे थे और हम सब घबरा गए कि भाभी कहाँ चले गए। तो भाभी जी सबको डरा दिया था आपने अभी, यहाँ सब उथल पुथल हो गए थे कि भाभी कहाँ चले गए। पहले हमारे उत्तराखंड में लड़की मिलना तो मुश्किल हो गया है, और दूसरा आपने यहाँ सबका दिमाग खराब कर दिया था। अरे पथरे वॉक कर करके इतने भयंकर वॉक हो जाते हैं कि गायब। ऊपर से इतना बड़ा शहर जहाँ पता ही नहीं चलता किसी का। तो भाभी जी एक्चुअली फोन पे बाहर बात कर रहे थे, आराम से घूम रहे थे, लेकिन हमारी ताई जी डर गए, यानी कि हमारी भाभी की सासू। ए बाड़ी, क्या हो गया, घबराहट हो गई थी? हाँ। और इसके दांत के लिए भी बोला किसी ने कि इसके दांत क्यों सड़ रखे इतने। और रतुड़ी थोड़ा ढंग से रहा कर, है दांत दूत गोरे कर अपने, चिट्टे गोरे। तो चलो फाइनली भाभी जी मिल गए, बधाई हो। चलो भाई, एक्चुअली मैं कल सुबह जा रहा हूँ, मेरे को भी टेंशन हुई थी भाभी जी कहाँ चले गए, लेकिन मिल गए भाभी जी फाइनली। भाभी कैसे लग रहा अब आप मिल गए? बाकी चलिए जी, मैं भी अब पैकिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे और अखिल को यहाँ से सुबह 5 बजे निकलना है। हेलो गाइज, आर यू रेडी? और बंदे की मरोड़ देखो, बिल्कुल कंबल भी निकाल रखा हूँ, यहाँ हीटर भी जला रखा है। कल सुबह जाना है, जिसने किराए बनना भरना ही तो है। बंदे ने सोचा जाते जाते ऐसा खर्चा कराऊंगा, याद करते रहेंगे। अच्छा आज सरोजनी नगर में कैसा लगा, जो 10 रुपए का सामान ढूंढ रहे थे मिला? बाकी मैंने एक जैकेट लाई, भाई ने 2 स्वेटर ली और एक जैकेट मिली, बड़ा मोटी पार्टी है। हालांकि सामान 10 रुपए का ढूंढ रहा था, लेकिन बाद में नहीं मिला कहीं, तो फिर इज्जत की बात आ गई, तो भाई ने फिर लास्ट में महंगे कपड़े लिए। बाकी ताई जी, हम तो कल सुबह चले जाएंगे और आपकी ड्यूटी यहाँ 2 महीने तक है, ठीक है? तो चलिए 2 महीने बाद आना घर, मस्त घर के, ठीक है? और तब तक फिर भी आना आप नीचे। नहीं, अब तो क्या करना, अब ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है? मतलब गांव में मिलेंगे मस्त करके, ठीक है? बाकी रतुड़ी जी की बात की जाए तो रतुड़ी जी की मम्मी यहाँ खाना बना रही है, और रतुड़ी जी गोदी से नीचे नहीं उतर रहे। रतुड़ी नीचे उतर। ये अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा भाई आज। ये राम लिखा भी रहा मेरे को। लिखाने का मतलब होता है कि जीव दिखा रहा है मेरे को, ये देखो बंदर है, ये पूरा बंदर। तो चलिए जी, फाइनली हमारे रतुड़ी जी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। और रतुड़ी क्या लिख रखा उसमें देखो, भयंकर पढ़ रहा है, तेरा पिताजी भी नहीं पढ़ पाएगा इसको जो तू पढ़ रहा हुआ है। ए पापा। चल पढ़ पढ़ पढ़, ठीक है ठीक है। बाकी भाभी जी
मैं कल जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है? है? अरे ऊपर देख के बोलो ना, थोड़ा ऊपर देखो ना, अरे ऊपर तो देखो, पक्का? तो चलो भाई, भगवान की कृपा से अब अगले 1-1.5 महीने बाद हमें खुशखबरी मिलने वाली है, तो क्या पता मैं फिर आ जाऊं दिल्ली। ठीक है भाभी, डन? हाँ तब ठीक है। ये और रतुड़ी जी अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं यहाँ। तो चलिए गिनती की माँ बहन एक कर दिया हमारे भांजे ने, 1, 2, 3, 4, 5 और 14, 15, 16। हाँ बोल, हाँ बोलो। अबे यार तो देखिए जी, गायत्री मंत्र जन गण मन हो गया। ओम भूर्वसा बोल, गीत गा रहे क्या? जन गण मन गीत गायक सनी मनी साहब सब आ गए उसमें, सनी मनी। <laughs> 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 <laughs>